नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मिशन दिल्ली में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और आज बारी है शाहदरा विधानसभा की। जानने की कोशिश करेंगे यहां के लोगों से क्या यहां के मुद्दे हैं, क्योंकि अगर यहां के मौजूदा विधायक की बात करें तो यहां पर बीजेपी के विधायक हैं, उससे पहले कांग्रेस की सत्ता भी रही है, लेकिन कितना विकास यहां पर हुआ है, लोग क्या चाहते हैं, आज ये भी जानेंगे। लगातार नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, जनता पूछेगी सवाल और क्या नेता दे पाएंगे जवाब। लेकिन उससे पहले यहां के समीकरण जानना काफी आवश्यक हो जाता है, किसकी सत्ता कितनी देर तक रही और कितना विकास यहां पर हुआ, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वीआईपी न्यूज की खास पेशकश मिशन दिल्ली में आज बात शाहदरा विधानसभा सीट की होगी। शाहदरा विधानसभा ईस्ट दिल्ली सीट के अंतर्गत आती है। ये सीट 1993 में अस्तित्व में आई। 70 विधानसभा सीटों में से ये सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस विधानसभा सीट से 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। इस सीट से पहला चुनाव 1993 में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर रामनिवास गोयल ने जीता था, लेकिन 1998 से 2013 तक इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ही जीता रहा है। पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के जितेंद्र सिंह शंटी 45,364 वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे। कांग्रेस के नरेंद्र नाथ 30,247 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह को 23,512 वोट मिले। लेकिन इस सीट पर हैरान करने वाली बात ये थी कि सत्ताधारी कांग्रेस इस सीट पर बैकफुट पर नजर आई। 2013 के चुनाव दिल्ली में कांग्रेस के लिए निराश करने वाले थे। इन चुनावों में इस सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, लेकिन सबकी निगाहें दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर लग गई है। अब देखना होगा दिल्ली में झाड़ू और हाथ के सामने कितना चलता है मोदी मैजिक। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि क्या यहाँ के मुद्दे हैं, और सवाल ये भी है कि जनता के साथ किसने न्याय किया है यहाँ पर और कितना विकास यहाँ पर हुआ है। लगातार जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ गई है, जनता के पास चलते हैं, नेताओं के पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ के मुद्दे। भाई साहब, आप बताएं क्या मुद्दे हैं विधानसभा क्षेत्र के। मुद्दे यहाँ पर जो है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारा जो है पुराना बाजार है, व्यापारिक क्षेत्र है, और मैं व्यापारी के नाते इतनी बात जरूर कहूंगा, जैसे आसपास हमारे विहार बसे हुए हैं वहां से लोग बाग अपनी गाड़ी में आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई पार्किंग सुविधा 15 साल से डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी हमारे जो है विधायक रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी बाजार के विषय में एक बात भी ये नहीं सोची कि यहाँ इतना पुराना बाजार होते हुए आज ये बाजार बिल्कुल बंद हो चुका है, एक तरह से जो है व्यापार यहाँ ठप हो चुका है, क्योंकि कोई भी अप्रोच ऐसी नहीं है कि यहाँ पर जो है लोग बाहर से आके सामान खरीद सके। यहाँ पर जो है आपने देखा होगा, यहाँ पर जो है पार्किंग की सुविधा कोई भी नहीं है, जबकि सबने वादे किए थे पार्किंग देने के, और सबने ही ये कहा कि हमने पार्किंग पास करा लिया, लेकिन आज तक हमें कोई पता नहीं लगा कि कहाँ पार्किंग हुई। पार्किंग की दिक्कत इसके अलावा बताइए भाई साहब, क्या दिक्कत है विधानसभा क्षेत्र? यहाँ पे काफी लोगों की परेशानी रहती है, यहाँ पे सफाई का भी है और यहाँ पे बाजारें बंद हो रही है, इस चीज की सबसे ज्यादा परेशानी है, और विधायक यहाँ पे काफी लोगों को परेशान कर रखा है। इसके अलावा पार्किंग के अलावा क्या दिक्कत? बड़ी दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पार्किंग की है। उसके अलावा यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, जो है यहाँ पे पुलिस वाले जो है हर काम के लिए पैसे मांगते हैं, कोई आप छोटी दुकान खोलोगे उसके भी महीना पैसे देने पड़ेंगे आपको, ये नहीं पता किस चीज के देने पड़ेंगे, लेकिन ये गुंडा राज यहाँ पे चल रहा है। विधायक यहाँ पे आएंगे, वोट मांगने आएंगे, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे। भ्रष्टाचार की बात कुछ लोग कह रहे हैं, भ्रष्टाचार के अलावा चलते हैं लोगों के पास और इस विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, बताएं भाई साहब। सर, यहाँ तो मुद्दा यह है कि हमारे, मैं भी कांग्रेस का मेंबर हूँ, काफी पुरानी कांग्रेसी हूँ, मेंबर हूँ, लेकिन यहाँ जो काम केजरीवाल ने 39 दिन में करके दिखाया दिल्ली के अंदर, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा, ना कांग्रेस ने करा, ना भाजपा ने करा, या कोई भी पार्टी खड़ी होगी वादे करके चलेगी, नहीं करता कोई नहीं। 10 दिन में क्या किया, कुछ बड़ा काम करा केजरीवाल ने? काम किया बढ़िया, पानी बिजली के बिल कम करे, मेरे भी पानी बिजली के बिल कम आते थे, कम आए, अब मैंने कम भरे, लेकिन उसके बाद उसकी सीट जाने के बाद फिर दोबारा से बिल ज्यादा भेजती है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा ये है कि केजरीवाल अगर मान लो 49 दिन में गए, ठीक है, पहले अगर मान लो सीट, जब पहले जनता से जब पूछ के आए, उन्होंने कहा मैं सरकार बनाऊं, और जाते हुए उन्होंने ये नहीं पूछा कि सरकार मैं छोड़ दूं, और फिर मतलब ये 1,000 करोड़ जो रुपए लग रहे हैं खाली केजरीवाल की वजह से खर्च हो रहे हैं, क्या इसका बहुत बड़ा इशू नहीं है कि ये जनता पे बोझ पड़ेगा, ये सोचा उन्होंने छोड़ने से पहले?
अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार को लेकर भी लगातार सवाल उठते हैं, जनता के पास भी चलेंगे, लेकिन अब बारी नेताओं की है। पहले नेताओं का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ प्रीति जी हैं जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाएंगी। प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जगत चौधरी जी हैं, कांग्रेस की राय रखेंगे, और रामनिवास गोयल जी हमारे साथ हैं जो कि उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के। गोयल साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, 49 दिन का लोगों को मलाल है कि 49 दिन में सरकार छोड़ दी, भविष्य में क्या योजना होंगी सरकार की, इस पर अभी लोगों को संदेह आपकी पार्टी पर? देखिए, सरकार छोड़ने की जहां तक बात है, मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा अपने कांग्रेस के भाइयों से भी, भाजपा के लोगों से भी। कांग्रेस के आजादी के इतिहास में कांग्रेस और भाजपा 67 साल के इतिहास में कभी हाथ नहीं मिलाया, किसी मुद्दे पर दोनों एक नहीं हुए। लेकिन वो राजनीति के इतिहास में काला दिन था जिस दिन दोनों ने केवल जन लोकपाल बिल के विरुद्ध हाथ मिलाया। मैं मान सकता हूं कुछ कमियां होंगी, जन लोकपाल बिल में कानूनी कुछ कमियां रह सकती हैं, लेकिन कांग्रेस की बात समझ में आती है। शीला दीक्षित पर मुकदमा दायर हो गया था, FIR दायर हो गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स के लेकर, उनका वापस होना समझ में आता है। लेकिन भाजपा का जो हर्षवर्धन चेहरा बने हुए थे, जो अपने आप को बहुत ईमानदारी से ताल ठोक कर कहते हैं मैं बहुत ईमानदार हूं, उनका हाथ मिलाना किसी गले नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी के इतिहास की बात कर दी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या चला है सबने देखा। 8 सीटों का समर्थन आपने लेकर के सरकार बनाई, फिर सरकार गिरा दी। मैं कहना चाहूंगा हमने समर्थन नहीं मांगा। मैं यहाँ एक बात आपने पूछा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 32 विधायक भाजपा के थे, वो LG को लिखकर के देखा है हम सरकार नहीं बना सकते, और वही भाजपा वाले आज कश्मीर में घुटने टेक रहे हैं दूसरे नंबर की पार्टी होने के बाद। दिल्ली में पहले नंबर की थी, दिल्ली में उनको प्रयास करना चाहिए था सरकार बनाने के लिए। उन्होंने विधानसभा सीट की, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, आपने दूसरी बात भी साथ में पूछी। कांग्रेस ने LG को लेटर दिया था लिखकर, कांग्रेस ने LG को लेटर लिखकर दिया था कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती। हमने जनता से पूछा और उस अनकंडीशनल सपोर्ट के आधार पर हमने सरकार बनाई। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से जन लोकपाल भी लाया उस पर कभी चर्चा नहीं की, चर्चा तक होने नहीं दी। और सरकार की गलती है कि कांग्रेस की, ये दोनों की गलती है। मैं दोनों को जिम्मेदार बराबर का ठहराऊंगा। कांग्रेस का मैंने एक बात कहा, बात समझ में आती है, एक बिल ऐसा आ रहा था जो भ्रष्ट मंत्रियों को, अफसरों को जेल में डालता है। चलिए जगत जी, क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस का शासनकाल रहा है लेकिन लोगों को जान से निजात नहीं मिल पाई है। पुलिस की बात करें तो भ्रष्टाचार काफी फैला हुआ है, क्यों कांग्रेस यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई 1998 से 2013 तक? लोगों की हमने ज्यादा से ज्यादा समस्याएं जो सादरे क्षेत्र की जनता की थी, वो बहुत से प्रोजेक्ट जनता के लिए बनाए हमारे सादरा क्षेत्र में। ये सबसे जो बड़ी कमी है, मल्टी एजेंसी है और उसकी वजह से जमीन हमारे पास है नहीं। ये पार्किंग की सुविधा है, 3 बार यहाँ पे MCD ऑफिस में 3 बार पार्किंग का उद्घाटन हो चुका है, तीन मेयर कर चुके हैं। और उसके बाद जहाँ तक जन लोकपाल बिल की बात है, अरविंद केजरीवाल जी, जहाँ तक उसकी बात है, जन लोकपाल बिल सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा होता है। उस मुद्दे को जो आदमी मुख्यमंत्री है उनको ये जानकारी नहीं है कि ये मुद्दा स्टेट में होने वाला, स्टेट असेंबली में इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस मुद्दे को छोड़ के, इस मुद्दे को भांडा बना के जो दिल्ली को छोड़ के भग गए। हमने समर्थन तो दिया सरकार चलाने के लिए 49 दिन जी, हमने समर्थन इसलिए दिया था कि जो पब्लिक की समस्याएं, बीजेपी ना सरकार बना सकती थी ना हम बनाने की स्थिति में थे कि पब्लिक पे बोझ ना पड़े और जनता के ऊपर ये चुनाव का बोझ ना पड़े और सरकार कुछ दिन चल जाए। लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर, क्योंकि उन्होंने सबको टेम्परेरी जो एम्प्लॉय थे उनको हम परमानेंट करेंगे, हम ये करेंगे, उनको वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, उन पर इतना वजन पड़ गया वो छोड़ के भग गए। चलिए आपसे प्रीति जाना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं विधानसभा क्षेत्र के और आप विधायक बनते तो क्या समस्या का समाधान होगा यहाँ का? देखिए जी, ना मैं किसी नेता की बात करती हूँ, ना किसी पार्टी की, ना किसी लीडर के दम पे लड़ती हूँ। बहन प्रीति अकेले डंके की चोट पे आती है, जनता के विकास की आवाज उठाती है, और जब जनता के अंदर जनता अपने विश्वास से ले आती है तो जनता नहीं मेरा परिवार बन जाती है। और हर काम, हर गली का विकास, और बड़े बड़े, मैं यहाँ जब घूमती हूँ तो मैं प्रचार नहीं करती हूँ, मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों के बीच में मैं उनको विश्वास देने और लेने आ रही हूँ तो मुझे उनकी सारी समस्याएं चलते हुए देख लेती हूँ। और जैसे मैंने अपना निगम क्षेत्र संवारा है डोर टू डोर और वॉल टू वॉल, उसी तरह से शादा विधानसभा के इस दौरान घूमते हुए जो जो समस्याएं मैंने देखी हैं, चाहे वो बच्चों की स्कूल एडमिशन्स हों,
जिसके लिए लोग तड़पते हैं, डोनेशन देते हैं, बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, और सबसे बड़ी समस्या लोगों की पेंशन की, पेट तक राशन नहीं पहुंच पाता, राशन कार्ड नहीं बनते। मींस कि मैं दलाली नाम की चीज खत्म करके विधानसभा का हर अधिकारी हर द्वार पे पहुंचाना चाहती हूं, और पूरी दिल्ली में शायद एक ही औरत निकल के अकेली आई होगी, चंडी के नाम से पुकारी जाती हूँ, बहन पीती नाम है मेरा, लोगों का परिवार बनाना काम है मेरा। इसके अलावा जो आपने तमाम समस्याएं गिनवाई, कौन जिम्मेदार, किसे जिम्मेदार मानती है इन तमाम समस्याओं? देखिए जी, मैं किसी को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराती, वो उनके कर्म थे, मैं आ जाऊंगी तो वो मेरे कर्म होंगे। इतना वादा करती हूँ कि बहन पीती सिर्फ एक बार वोट मांगने आती है, और जब लोग अपना बना लेते हैं तो दोबारा वो मेरा चुनाव लड़ते हैं, विकास देख के मैं नहीं लड़ती। चलिए, आपकी बातों से देखना जनता के लिए प्रभावित होगी। रामनारायण दुबे जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी से हैं और मेरे भी रह चुके हैं, स्वागत आपका, थोड़ा लेट है। तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, बीजेपी का क्या पक्ष है, क्योंकि विधायक बीजेपी का, जवाब आपको भी देना होगा। नहीं नहीं, बीजेपी के तो एक केवल 8 और 9 महीने शॉर्ट टाइम, फिर भी उन्होंने इतने सारे फंड ले आके और सारे इलाके में विकास शुरू करवा दिया है, तो अगर टाइम मिलता तो बीजेपी का था सीधा, प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ और हमारा सबका विकास, फिर उसमें क्या दे रहे हैं, दौड़ा डा रहा है इस विकास में दिल्ली के। नहीं, विकास में जो 15 साल जो दिल्ली के अंदर राज किया, सारा गलती और सारा दोष उनका है, हमारा दोष थोड़ी है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया इस दिल्ली। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं ये बात? कांग्रेस की तरफ, सीधी सीधी बात यह है, वाला कोई दोष नहीं है। सुनिए, जिन्होंने आनन फानन में केवल फ्यू मिनट के अंदर चिट्ठी लिख के और आम आदमी पार्टी को समर्थन किया, तो उनमें और उनमें क्या फर्क था? वो तो कह रहे हैं कि आपने जन लोकपाल के मुद्दे पर सरकार का समर्थन नहीं किया। नहीं, जन लोकपाल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने मेरे मित्र ने ठीक कहा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद एलजी से मेरी जानकारी जो एलजी से परमिशन होता है, फिर उसके बाद हाउस में आता है। तो इसलिए उनको एक बहाना चाहिए था, पहले गाड़ी नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, जनता का फैसला लूंगा, कहां गया ये सारे वादे, बच्चों की कसम खाऊंगा, ना किसी से समर्थन लूंगा, ना किसी को समर्थन दूंगा, वो बच्चों का क्या कसूर था श्रीमान जी कि जो भेंट चढ़ गए? इसलिए तमाम आरोप यहां पर आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है, आरटी एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं, राजेश शर्मा जी, प्रीति जी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तमाम सवालों के जवाब लेंगे, जनता के पास भी चलेंगे, जनता क्या सवाल अपने नेताओं से पूछना चाह रही है, और जनता इस बार किसे चुन रही है अपना विधायक।